Dear students, now we start our new chapter, Barter. Okay, for just few friends is given. Suppose for some reason your family gets only one bucket of water every day for a week. Imagine what would happen. Okay, अगर केवल एक बाल्टी पानी आपको जो है मिला ठीक है एक दिन का तो for a week कह रहा है पूरे एक हफ्ते के लिए तो आप क्या करेंगे? Would you be able to cook? Clean utensils, wash clothes or bath. What are the other activities you would not be able to do? ठीक है, इसके अलावा आप बहुत से ऐसे क्रियाकलाप हैं जो नहीं कर पाएंगे. ठीक है, आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. What would happen if we do not have easy access to water for a long period of time? ठीक है, बहुत लंबे समय तक अगर हमें पानी ना मिले ये तो हम क्या होगा? ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग There are so many activities for which we use water. ठीक है, आप देख सकते हैं कि पीने के अलावा बहुत सारी activities आप figure में भी देख सकते हैं. ठीक है, uses of water, which we जिसमें हम क्या करते हैं अपना अपना आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे uses हो रहे हैं water का. ठीक है, there are different ways. Do you have an idea about the quantity of water we use in a single day? Okay. क्या आपको पता है कि आप कितनी क्वांटिटी में पानी यूज़ करते हैं? ठीक है, तो नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, ठीक है, यहाँ पर जो है पानी यूज़ किया जा रहा है. सो हाउ मच वाटर डू यू यूज़? ठीक है, इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करनी होगी. लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर इन अ डे. सम एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड इन टेबल 14.1. मेक अ सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक. ओके, नोटबुक में आपने टेबल बनानी है. थ्रू आउट द डे मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड फॉर ईच एक्टिविटी बाय यू एंड अदर फैमिली मेंबर्स. यू मे यूज अ मग, अ ग्लास, अ बकेट और एनी अदर कंटेनर टू मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड. ठीक है, आप किसी से भी जो है मात्रा को अमाउंट को जो है मेजर कर सकते हैं. ठीक है, चाहे आप एक मग से करें या ग्लास से या बकेट से. तो ड्रिंकिंग में कितना पानी आप लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक ग्लास पानी, आप डेली का 5 गिलास भी अगर पानी पी रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही अदर फैमिली मेंबर्स का भी अगर काउंट करें तो आप वहाँ पर लिख देंगे 10 ग्लास वाटर या 15 ग्लास वाटर, जितना भी आप पीते हैं. ऐसे ही ब्रशिंग में कितना यूज होता है, कितने मग यूज होता है, बाथिंग में मेनली बकेट यूज़ होती है. ठीक है, ऐसे ही अटेंसिल्स जो आपके बर्तन है धोने के लिए आप क्या कितना यूज करते हैं, ऐसे क्लोथ धोने के लिए कितना बाल्टी पानी लगता है. ठीक है, टॉयलेट में कितना यूज होता है, क्लीनिंग फ्लोर में, तो आपने इसमें लिखना है इसके आगे. ओके, यू हैव टू यूज योर पेंसिल. नाउ यू हैव नाउ हैव अ रफ आइडिया एज टू हाउ मच वाटर यूर फैमिली यूजेज इन अ डे. ओके, कैन यू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज बाई यू फॉर पर्सनल क्लीननेस इन अ डे? Now divide this amount by the number of members of your family. Okay, first you have to using this information calculate the amount of water needed by your family in a year. Now divide this amount by the number of members of your family. This will give an idea of the amount of water needed by one member of your family in a year. ठीक है, आपने क्या करना है कि amount, ठीक है, कितना आपका लग रहा है पूरा पानी कितना यूज कर रहे हैं आप, उसके लिए आपको क्या करना है, जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर ठीक है आपके परिवार को चाहिए एक साल में, जैसे जो अबव एक्टिविटी में आपने भरना है, ठीक है, उसके हिसाब से एक साल तक आप उसको स्टडी करेंगे, फिर उस अमाउंट को डिवाइड कर देंगे फैमिली मेम्बर के नंबर से. ठीक है, इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि एक व्यक्ति को आपको कितना पानी चाहिए होता है. फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन योर विलेज और टाउन. ठीक है, आप ऐसे ही आपस में इसको शेयर करके अपने विलेज और टाउन के जो बच्चे हैं उनके फैमिली में कितना पानी यूज हो रहा है वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी पता लगा सकते हैं. यू मे नाउ गेट एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर विलेज और टाउन इन ए ईयर. पूजो वंडर्स वेदर पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन ऑफ अवर कंट्री गेट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर. आर देयर रीजन्स वेयर पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर? हाउ डू दे मैनेज? ओके, सो फॉर दिस आंसर You have listed a number of activities for which you use water. Do you think our water requirement is limited to activities like these?
We use wheat, rice, pulses, vegetables, and many other food items every day. We know that some of the fibers that we use for making fabrics come from plants. Is water not needed to grow these? Okay. Can you think of some more uses of water? तो जितने भी हम pulses हैं, जितने भी अनाज हम उगा रहे हैं, ठीक है, सभी के लिए क्या है, पानी की आवश्यकता होती है. Water is used in industries for producing almost all the things that we use. जितनी भी चीज़ें हम अभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया में, औद्योगिक इकाई में, तो वहाँ पर पानी का यूज़ होता है वो सभी कुछ बनाने के लिए. So we need water not only for our daily activities but also for producing many things. ठीक है, डेली एक्टिविटी के लिए नहीं, हमें बहुत सी चीज़ें बनाने के लिए भी पानी चाहिए होता है. पहली वांट्स टू टेल यू दैट अबाउट टू ग्लासेस ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच पेज ऑफ ए बुक. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पेज बनाने के लिए किसी भी किताब का 2 गिलास पानी चाहिए होता है लगभग. वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, अब ये पानी आप कहाँ से प्राप्त करते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे. वेयर डू यू गेट द वाटर दैट यू यूज, सम यू मे से विड्रॉ वाटर फ्रॉम अ रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल और अ हैंड पंप. सम अदर माइट से वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स. हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप्स कम्स फ्रॉम. Water that we get from taps is also drawn from a lake or a river or a well. Okay. It is then supplied through a network of pipes. ठीक है, हम इन माध्यम से जो है पानी प्राप्त करते हैं. Water in taps come from rivers, lakes, borewells or wells. Each of us may be getting water into our homes in different ways. But finally, all of us get water from the same sources such as ponds, lakes, rivers and wells. We have discussed some of the sources of water till now. Okay, where does the water come from to fill these ponds, lakes, rivers and wells? Okay, we get water from the all these ponds, lakes and rivers and wells, and these ponds, lakes, rivers and wells from where get water. Now we studied about it. So Bujo wants you to imagine a day in your life when water supply through taps is not available. Okay, so you have to fetch it yourself from a far away place. Would you use the same amount of water as on any other day? Okay, so of course not, you are not to use the amount of water. Okay, and from many of you are living in Blaze, so you can easily understand it. So do you know that about 2/3 of earth is covered with water? Most of this water is in oceans and seas. So 2/3 हिस्सा आपको पता है कि जो है पृथ्वी में पानी का है, ठीक है. So you can see oceans cover a major part of earth. Okay. तो जो समुद्र है वो पानी का एक मेजर सोर्स है. द वाटर इन द ओशंस एंड सीज हैज मैनी सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट. द वाटर इज सेलाइन. ओके, यू ऑलरेडी नो दैट इन ओशंस वाटर इज सॉल्टी, सो इट इज नॉट फिट टू ड्रिंकिंग एट अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स. यू माइट हैव हर्ड द फेमस लाइन्स ऑफ द पोएम Rhyme of the Ancient Mariner written by S.T. Coleridge in 1798. Okay, so a poem written by Coleridge, Rhyme of the Ancient Mariner. So water, water everywhere, no any drop to think, drink. Okay, so just this is written just for the ocean, where you can see water is everywhere but you cannot drink a single drop, it is too much salty. So here the poet has described the plights of sailor on a ship lost in the ocean
Yet oceans play an important role in supplying the water that we use. Do you find this surprising? After all, the water that we use is not salty. Many of us live in places far away from the oceans. Does the water supply in these places also depend on the oceans? How does the ocean water reach ponds, lakes, rivers, and wells, which supply us water? How come the water from these sources is not saline anymore? Okay, अब हम पढ़ेंगे कि ओशन से ये पानी साफ होकर हमारे पास, क्योंकि हम जो पानी पीते हैं वो तो सॉल्टी नहीं होता है, तो वो पानी कैसे पॉन्ड्स में पहुंचता है, कैसे लेक्स में जाता है, ठीक है, रिवर्स में और कुएं में कैसे जाता है, और कहाँ से ये, इनके सोर्सेस क्या क्या है? That is where the water cycle comes in. अब जो है water cycle यानी कि जल चक्र काम आता है, तो अब हम study करेंगे water cycle के बारे में. Disappearing trick of water. How many times have you noticed that water spilled on a floor dries up after some time? The water seems to be disappear. Similarly, water disappears from wet clothes as they dry up. Water from wet roads, rooftops, and a few other places also disappears after the rains. Where does this water go? Okay, you can understand it easily that clothes drying on a clothesline. Okay, this water is just evaporates from this these clothes. How this possible? Do you remember activity 6 in chapter 5 in which water with salt dissolved in it was heated? Okay, you have to remember when we read about the separation of substances, what did we find? The water evaporated and the salt was left behind. This activity gives us an idea that on heating, water changes into its vapors. ठीक है, जब भी पानी को गर्म किया जाता है, ठीक है, तो वो एक भाप में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है. We also realize from this activity that water vapors does not carry away the salt with it. Water vapors so formed become a part of the air and cannot usually be seen. Okay, फिर water vapor जो है हम उसे नहीं देख पाते क्योंकि वो भी एक air का ही part बन जाता है. We also found that heating is essential to convert water into its vapors. However, we have seen that water changes into its vapors also from the fields, roads, rooftops, and other land areas. We also discussed in chapter 5 that to obtain salt, water from the sea is left in a shallow pits to let the water evaporate. Okay, we already read about it, how salt is obtained from seawater. From where does this water get the heat it needs to evaporate? Okay, let us find out. Now we just find that this water get the heat it needs to evaporate. Okay, for this we have to do an activity. Take two similar plates, place one of the plates in sunlight and keep the other under shade. Now pour equal amount of water in each of the plates. अपने क्या करना है, दो प्लेट लेनी है, ठीक है, इसको एक्टिविटी को आप घर पर भी कर सकते हैं. प्लेस वन ऑफ द प्लेट इन सनलाइट, एक को सनलाइट में रखना है और एक को छाया में रखना है, ठीक है, पेड़ की छाव में. नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द प्लेट्स, ठीक है, जैसा कि फिगर में भी दिखाया गया है, अभी हम देखेंगे. इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर यू हैव टू पोर. यू कैन यूज अ कैप ऑफ अ बोटल टू मेजर वाटर. मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट स्पिल ओवर. Okay, observe the two plates after every 15 minutes. Does the water seem to disappear? From which plate does it disappear first? What is the source of heat for this evaporation? Okay, during the daytime, sunlight falls on the water in oceans, rivers, lakes, and ponds also like that. Okay, above activity you can easily understand. Okay, which plate is in
the sunlight, it evaporates more. Okay, so same during the daytime, sunlight falls on the water in oceans, rivers, lakes and ponds. The fields and other land areas also receive sunlight. As a result, water from all these places continuously changes into vapor. However, the salt dissolves in the water are left behind. In the activity 2, did you find that water also disappeared from the plate which kept? You can do this activity. This type of activity you have to do. Okay. Captain said, though it could have take more time. Does the heat from the sunlight reach here? Yes, during the daytime, all the air surrounding us gets heated. This warm air provides heat for evaporation of water in the shed also. Okay. ऐसे जो आपने प्लेट छाया में रखी है, वेपोरेशन तो उसमें भी होगा, लेकिन कुछ ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है? क्योंकि दिन के टाइम में जो एयर है एटमॉस्फेयर की, वो भी थोड़ा गर्म हो जाएगी, ठीक है? और इवेपोरेशन चलता रहता है. दिस वार्म एयर प्रोवाइड्स हीट फॉर इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द सेट. दस इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सोर्सेज ऑफ सर्फेसेज ऑफ वाटर. एज ए रिजल्ट वाटर वेपर्स गेट्स कंटिन्यूसली एडेड टू एयर. हाउएवर इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज अ स्लो प्रोसेस. That is why we rarely noticed its loss from a bucket full of water. In sunlight, evaporation takes place faster. On heating water up on a burner, its evaporation takes place even faster. Is there any other process through which water vapors get transferred into air? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या other methods भी हैं, ठीक है, जिससे पानी जो है भाप बनकर उड़ता है. तो इसके लिए अब हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स. यू हैव लर्न्ड इन चैप्टर 7 द प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो. प्लांट्स यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड. ओके, एंड रिटेन सम ऑफ इट इन देयर डिफरेंट पार्ट्स. रिमेनिंग part of this water is released by the plants into air as water vapors through the process of transpiration. Okay, so transpiration वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है पेड़ अपना पानी एक तरह से कहते हैं जलवाष्प के रूप में लॉस करते हैं. Do you remember observing transpiration of water by plants in activity 4 in chapter 7? Water vapors enters the air through the process of evaporation and transpiration. It is lost forever. No, we get back in again, as we will see. Okay, now after the process of evaporation, can we lose water permanently? Of course not. Okay, for this we study how are clouds formed. So take a glass half filled with water. Wipe the glass from the outside with a clean piece of cloth. Add some ice into the water. Wait for 1 or 2 minutes. Observe the changes that take place on the surface, outer surface of the glass. Okay, so from where do water drops appear on the outer side of the glass? The cold surface of the glass containing iced water cools the air around it. And the water vapors of the air condenses on the surface of the glass. Okay, we notice this process of condensation in activity 7 in chapter 5. Okay, these are water droplets. You can see easily in figure, drops of water appear on outer surface of the glass containing water with ice if you do this activity. The process of condensation. Okay, so this process of condensation plays an important role in bringing water back to the surface of the earth. How does it happen? As we go higher from the surface of the earth, it gets cooler. जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर को जाते रहते हैं, ठीक है, तो वो जो है एक तरह से कहेंगे तापमान वहाँ पे गिरते रहता है.
व्हेन द एयर मूव्स अप, ठीक है, इट गेट्स कूलर, फिर जैसे ही पृथ्वी से हवा के रूप में, अगर आप कहें कि पानी ऊपर को जाता है जल वाष्प के रूप में, तो वो ठंडा होने लगता है। ओके, एट सफिशियंट हाइट, कुछ सफिशियंट हाइट पर, द एयर बिकम्स सो कूल दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंसेस टू फॉर्म टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स। ठीक है, इट इज दीज टिनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेनिंग फ्लोटिंग इन एयर एंड अपियर टू अस एज क्लाउड्स। ठीक है, तो यही जो ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, कंडेंस ड्रॉपलेट्स हैं हवा में उड़ती हुई, ठीक है, यही हमें बादलों के रूप में दिखते हैं। इट इज सो हैपन्स दैट मैनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टूगेदर टू फॉर्म लार्जर साइज्ड, ओके, क्लाउड्स। यू कैन सी दीज क्लाउड स्ट्रक्चर। सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम सो हैवी दैट दे बिगन टू फॉल, ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा भारी हो जाती है तभी बारिश होती है। ठीक है, दीज फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स आर वॉट वी कॉल रेन, इन स्पेशल कंडीशंस इट मे ऑल्सो फॉल एज हेल और स्नो। ठीक है, दस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर गोज इनटू एयर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन फॉर्म्स क्लाउड्स एंड देन कम्स बैक टू द ग्राउंड एज रेन हेल और स्नो। ठीक है, तो इवेपोरेशन के द्वारा जो भी जल वाष्प ऊपर को जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, वो क्लाउड्स बनाता है, ठीक है, और जमीन पर वापस, पृथ्वी पर वापस किस रूप में आ जाता है, बारिश के रूप में, ठीक है, ओलों के रूप में या बर्फ के रूप में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बैक टू द ओशियंस, व्हाट हैपन टू वाटर दैट रेन एंड स्नो ब्रिंग टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ, ऑलमोस्ट ऑल लैंड सर्फेसेस आर अबव द लेवल ऑफ ओशियंस, मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड स्नो सूनर और लेटर गोज बैक टू द ओशियंस, दिस हैपन्स इन मैनी वेज। ठीक है, फिर जो भी पानी, या आप कहें कि बर्फ के रूप में या बारिश के रूप में पानी जमीन पर गिरता है, वो किसी ना किसी रूप से फिर से समुद्र में जाता है। ठीक है, ये बहुत अलग अलग तरीके से होता है। स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट इन टू वाटर, दिस वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। ओके, सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड एज रेन ऑल्सो फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, मोस्ट ऑफ द रिवर्स कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल इन टू अ सी और एन ओशन, हाउएवर वाटर ऑफ सम रिवर्स फ्लोज इन टू लेक्स। सो यू कैन सी इन फिगर ऑल्सो दैट रेन वाटर फ्लोज डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। ओके, सो मेनली दिस वाटर इज गोज टू ओशंस, द रेन वाटर ऑल्सो फिल्स अप द लेक्स एंड पॉन्ड्स, अ पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्राउंड एंड सीम्स टू डिसअपियर इन द सॉइल, सम ऑफ दिस वाटर इज ब्रॉट बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, द रेस्ट सीप्स इन टू द ग्राउंड, मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम्स अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर, ओपन वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर इज द सोर्स फॉर मैनी लेक्स एज वेल, इट इज ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज ड्रॉन बाय अ हैंडपम्प और अ ट्यूब वेल, द मोर हैंडपम्प्स और ट्यूब वेल्स दैट आर यूज इन एन एरिया द डीपर वी नीड टू डिग टू फाइंड दिस ग्राउंड वाटर, द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज इज वरीसम। ओके, पहली वॉन्ट्स टू शेयर अ कंसर्न विद यू, इन दोज एरियाज वेयर द लैंड हैज लिटिल और नो वेजिटेशन द रेन वाटर फ्लोज अवे क्विकली, फ्लोइंग रेन वाटर ऑल्सो टेक्स द टॉप लेयर ऑफ सॉइल अवे विद इट, देर आर फ्यू एरियाज वेयर मोस्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड विद कॉन्क्रीट, दिस रिड्यूसेस द सीपेज ऑफ रेन वाटर इन टू द ग्राउंड which ultimately affects the availability of ground water.
We now know that water brought back to the surface of the earth by rain, hail or snow goes back to oceans. Thus, water from the ocean and surfaces of the earth goes into air as vapor, returns as rain, hail or snow, and finally goes back to the oceans. The circulation of water in this manner is known as the water cycle. तो यही क्या है? Water cycle है. अगर आप figure देखें 14.9, this is the figure of water cycle. You can see the arrow from above side, it means evaporation or transpiration process take place, and then in the form of clouds by rain or hail or snow come back to the ground again.